हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केनीबी लाइव न्यूज चैनल में। आज है शनिवार 2 नवंबर 2019। तो आज की बिहार की टॉप 30 न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पूर्णिया अनुमंडल मुख्यालय में स्थित कोरियारी थाना के आसपास के कई घरों में डेंगू बुखार से काफी संख्या में लोग पीड़ित हैं। इस वजह से अनुमंडल मुख्यालय में लोग डेंगू के भय से जी रहे हैं, लेकिन अब तक डेंगू के रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस वक्त हर तरफ छठ पूजा की धूम है, जबकि इस मौके पर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की तरफ से एक बेहतरीन पहल देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के जवान और पदाधिकारी इन दिनों रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाते देखे जा रहे हैं। कुछ जवान मिठाइयां खिलाते हैं तो कुछ जवान पानी से भरा गिलास यात्रियों को थमाते नजर आ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ये नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है कि आमतौर पर जो वर्दी खौफ के कायम में विख्यात है, वही आज लोगों को मिठाई के साथ पानी पिला रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व गुरुवार यानी 31 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी छठ को लेकर की गई तैयारियों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने साफ सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी पहलुओं का निरीक्षण किया है। सीएम नीतीश कुमार ने करीब 2 घंटे तक स्टीमर की सहायता से दानापुर से नारीगंज से पटना सिटी के कंगन घाट तक गहनता के साथ आलोकन किया है। सीएम नीतीश ने लोगों से अपील की है कि उन्हें उन घाटों पर नहीं जाना चाहिए जो खतरनाक घाटों की लिस्ट में शामिल हो गया है। बिहार से अलग होकर धनबाद जिला झारखंड राज्य का हिस्सा बन गया है, लेकिन धनबाद का बिहार से जुड़ाव कभी भी कम नहीं हुआ है। मिनी बिहार कहे जाने वाली धनबाद का बिहार से गहरा रिश्ता आज भी कायम है। यहाँ के लोग नियमित रूप से बिहार आते जाते हैं। पर्व त्योहार और शादी विवाह के मौसम में बिहार जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इसकी वानगी हर साल छठ महापर्व पर देखने को मिलती है। झारखंड बने 19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक बिहार के कई जिलों के लिए ट्रेन तो दूर, बस सेवा भी नहीं शुरू हो सकी है। झारखंड से सटे सहरसा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, शेखपुरा, आरा और बक्सर जाने के लिए धनबाद से ना तो सीधी ट्रेन है और ना ही बस। इन जिलों में जाने के लिए यात्रियों को या तो ट्रेन बदलनी पड़ती है या फिर बस बदलनी पड़ती है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर को इस अभियान का उद्घाटन रिमोट दबाकर किया था। अभियान की शुरुआत हो जाने के बाद पूरे बिहार में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। आज उसी के आलोकन में पटना सिटी सबलपुर के विष्णु मंदिर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। हालांकि इस वृक्षारोपण के लिए मनरेगा के तहत लाखों रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। करीब 400 पौधे आम तथा सागवान के लगाए गए हैं। अगर आप बिहार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र 12वीं कक्षा के अगले साल होने वाले वार्षिक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। आप बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने करीब 40 अलग अलग इंटर मॉडल सेट जारी किए हैं। अधिकतम प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया गया है। बंगाल की ममता सरकार ने इसके लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक जिन जिन चीजों पर निकोटीन पाए जाते हैं, उसे बनाना, स्टोर करना और बेचना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। हालांकि इस अधिसूचना में सिगरेट का उल्लेखनीय नहीं किया गया है। इसके प्रभाव को देखते हुए इसे आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सऊदी अरब में भारत के राजदूत औसाफ सईद ने बताया है कि सऊदी अरब ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह तेल का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद स्रोत बना रहेगा। इसमें भारत को जितने भी तेल की जरूरत होगी, सऊदी अरब उसे मुहैया कराएगा। छठ में बिहार आने वाले श्रद्धालु ट्रेन में भीड़ के कारण टॉयलेट में बैठकर यात्रा करने पर मजबूर हैं। भारी भीड़ के कारण जनरल क्लास और स्लीपर क्लास का अंतर मिट गया है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब से आने वाले ट्रेनों के जनरल और स्लीपर क्लास में पांव रखने तक की जगह बहुत ही मुश्किल से मिल रही है। 1 नवंबर यानी कल से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। लगातार तीसरे महीने रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी को झटका लगा है। देश के प्रमुख महानगरों में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 76 रुपये महंगा हुआ है। पटना के यूको पार्क राजधानी का सबसे बढ़िया पार्क माना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने, मस्ती करने आते हैं और मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। लेकिन अब इस पार्क में फ्री मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए बुरी खबर है। जी हाँ, यूको पार्क में फ्री मॉर्निंग वॉक करने पर रोक लगा दी गई है। अब अगर आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए यूको पार्क जाना चाहते हैं तो आपको पास बनवाना होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और छठ घाटों की साफ सफाई में न केवल हिंदू समाज के लोग बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की भागलपुर की, जहां मुसरी घाट पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने घाटों की साफ सफाई में लगे हुए हैं और बकायदा 5 सालों में छठ में मुस्लिम युवा और बुजुर्ग घाट की साफ सफाई करते हैं।
हर घर नल जल योजना के तहत सभी वार्डों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव अमृतलाल मीणा ने डीएम को पत्र लिखकर भेजा है। 14 सितंबर को हुई बैठक में हर घर नल जल योजना के तहत विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रीपेड मीटर के साथ विद्युत कनेक्शन लेने के लिए निर्णय लिया गया था, जिसे लेकर प्रधान सचिव ने एक सप्ताह में कार्य योजना की जानकारी मांगी है। आस्था के महापर्व छठ में सूर्य को अंधेरे देने में फल को प्रमुख माना गया है। ऐसे में बिहार के अय्यारपुर बाजार में समिति के फलों के लिए केरल, बंगाल, नासिक, सिलीगुड़ी के कारोबारियों को एक सप्ताह पहले ही ऑर्डर भेजकर फलों का स्टॉक मंगा लिया था, जिसमें 3 दिनों में जिले में 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के फलों की आवक आ चुकी है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि पूरे बिहार में 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के फलों का कारोबार हो चुका है। गोपालगंज जिले में पेट्रोल पंप पर ग्रामीणों का हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया है। ये पंप मीरगंज के कुसुदी मेन रोड पर स्थित है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। वर्ष के सभी प्रमुख त्यौहार अक्टूबर में खत्म हो चुके हैं। ऐसे में नवंबर महीने में बैंकों में ज्यादातर छुट्टी नहीं होंगे। इसके बावजूद भी देश के कई हिस्सों में बैंक किसी न किसी वजह से बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के अनुसार देश के कई हिस्सों में 5 या 7 दिन नहीं बल्कि 12 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसकी शुरुआत कल यानी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। अररिया जिले के बैरगाछी ओपी पुलिस ने बुधवार की रात गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से 2 बोतल शराब बरामद किया है। कार्रवाई करते हुए बैरगाछी ओपी क्षेत्र के मध्य विद्यालय बेलबारी के समीप वाहन को रुकवाया गया। वाहन रुकते ही उसमें बैठे 3 युवक भागने लगे, जिसमें पुलिस ने खदेड़कर 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य लोग भागने में कामयाब रहे। रालोसपा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि अगर 15 नवंबर तक नवादा और औरंगाबाद के देवकुंड केंद्रीय विद्यालय की जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। बिहार के केंद्रीय विद्यालय से वंचित 7 जिलों के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजने और किराए के मकान पर चल रहे केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन देने की मांग भी सरकार से की है। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। वर्तमान झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 चरणों में होगा, जो जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, जिसमें 9 SC के लिए सुरक्षित सीटें हैं। राज्य में 2,65,00,000 मतदाता है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया है। शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पार्ली जलाने के चलते दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सुबह और शाम के समय में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा होता है और यह बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, जिससे यह फैसला लिया गया है। बुधवार को जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद 2 महत्वपूर्ण बातें कही है। पहला ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश को चलाने की क्षमता रखते हैं। दूसरा ये कि अगर उचित भागीदारी मिले तो जेडीयू केंद्र मंत्री परिषद में शामिल होंगे। इस बात को जेडीयू महासचिव पवन वर्मा ने भी आगे बढ़ाया है और साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गुरुवार को जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये फालतू बात है। जाहिर है कि केसी त्यागी की हाँ और सीएम नीतीश कुमार की ना वाले बयान के बाद लोगों को लगने लगा है कि जेडीयू के भीतर भी कहीं ना कहीं विरोधाभास है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा जोरों पर है, क्या पार्टी के भीतर वास्तव में कोई कंफ्यूजन है या नहीं, या फिर सीएम नीतीश कुमार किसी लंबे राजनीति पर चल पड़े हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना का नियम किया जाता है और शाम को व्रती भोजन खाया करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन खरना पानी खाए बिना उपवास किया जाता है। खरना के दिन डूबते सूर्य को अंधेरे दिया जाता है। छठ घाटों पर पहुंचने के लिए कोई मुश्किल ना हो, इसको लेकर जहां प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, वहीं सामाजिक स्तर पर भी कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के बगहा में छठ पर्व पर गंगा जमीनी तहजीब की अनोखी तस्वीर सामने आई है। कौमी एकता की मिसाइल कायम करते हुए यहां के मुस्लिम समुदाय के कई लोग छठ घाट पहुंचने वाले रास्ते की साफ सफाई में जुटे हैं। घाटों और वहां जाने वाले रास्तों में गंदगी ना रहे, इसके लिए बगहा के दीनदयाल नगर घाट पर हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। घाटों के साथ रास्तों की सफाई की जिम्मेवारी जब मुस्लिम समुदाय ने संभाल ली है तो वहीं हिंदू समुदाय के लोग भी इसको लेकर काफी सराहना किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में अब भी बड़ी संख्या में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। इसमें अधिकतर जमीन गैर मजदूरों आम, गैर मजदूरों खास, केसरे हिंद से लेकर खास महल की श्रेणी की है। सरकार ने सभी तरह की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए नई रणनीति बनाई गई है। अब जमीन पर नए या पुराने किसी तरह के अतिक्रमण पाए जाने पर जिला स्तरीय अफसर ही इस पर कार्रवाई करेंगे।
कई जगहों पर पक्की संरचना भी बना ली गई है, लेकिन इसको भी तोड़ना पड़ेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस मामले में पत्र जारी करके सभी आयुक्तों और डीएम को ताकीद किया है। उन्होंने लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के धारा 3 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बेतिया जिले में बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने आज करोड़ों की लागत से बने संयुक्त कृषि भवन का विधिवत उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में श्वेत क्रांति और नील क्रांति से बिहार की किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान आधुनिक तरीके से खेती करे तो उनकी आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि 5 हेक्टेयर पर किसानों को मुफ्त में बोरिंग सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे करीबी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन को आप क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों।